नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम Adobe Premiere Pro के अंदर जो है बेसिक एडिटिंग सीखेंगे और उसमें हम सीक्वेंस क्रिएट करने के एक दो प्रोसीजर इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे और नाम दे देंगे हम तो पहले का जो वर्जन थे उसके अंदर यहाँ पे हम जब ओके क्लिक करते थे तो एक और डायलॉग बॉक्स आता था जिसमें सीक्वेंस का नाम और उसके जो पैरामीटर से वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, जिसकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी। तो 2017 का जो वर्ज़न है उसमें आई थिंक, और 2015 में भी ये लोगों ने निकाल दिया था, उस समय से वो निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं किया गया है, ये प्रोजेक्ट पेन भी ब्लैंक है, टाइम लाइन भी ब्लैंक है, यहाँ पर लिखा है नो सीक्वेंसेस। तो चलिए पहले जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा मीडिया फाइल्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है उसका विड्थ राइट है 1280x720, इसको हम अंदर ले लेते हैं। ये और उसके अलावा हम कल फोल्डर यहाँ से भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमको सीक्वेंस अगर क्रिएट करना है तो हम इसको यहाँ से न्यू में जाएंगे और सीक्वेंस क्लिक करेंगे, या तो कंट्रोल एन उसका शॉर्टकट है, आप कंट्रोल एन करके भी सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डायलॉग बॉक्स था वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली पहले आता था, जो अब आप जब सीक्वेंस क्रिएट मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको करना पड़ेगा ये वाला स्टेप। अब यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, और अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। और इसमें ये सब इतना थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जो है जो साइज़ है ये वाला है 70H हाइट एंड विड्थ जो है वाइड वो 576 है। यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस को ओके कर देते हैं और ये आप बाद में भी देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाके ये वाला उसका विड्थ एंड हाइट है, जबकि हमारा जो वीडियो था हमने देखा था ये वाला, इसका जो प्रॉपर्टी है उसमें देखेंगे तो इसका ये वाला हाइट एंड विड्थ है। तो अभी ये जो हमारी ये आपको स्क्वायर या तो रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी डायमेंशन जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से है। तो अगर हम इसको इसमें रखेंगे, ये वीडियो को जब सीक्वेंस में हम सेट करेंगे, तो Adobe Premiere Pro जो है वो आपको पूछेगा कि भाई आपको सीक्वेंस को जो है उसका डायमेंशन और वो जो है वो वीडियो के डायमेंशन के अकॉर्डिंग टू चेंज करना है। अगर आपको उसको एग्जिस्टिंग रखना है तो आप रख सकते हैं, इन केस अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि यही मतलब फास्टेस्ट वे है यहाँ पे कि सीक्वेंस का अगर आपने कोई सेटिंग नहीं किया है और आपको वीडियो की साइज़ के हिसाब से सीक्वेंस को बनाना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगा, उसके जगह कंट्रोल क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर की फाइल्स जो है वो। और उसके अलावा अगर आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है तो इसको प्लस आइकॉन में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, उसको आप करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो है आपका सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा और डायमेंशन जो है वो फाइल है उसके अनुसार डायमेंशन भी सेट हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यहाँ पे जाओ ये करो वो करो। और अगर आपको सीक्वेंस भी उसका नाम भी चेंज करना है तो सीक्वेंस जो होता है उसमें इस तरह का आइकॉन रहता है यहाँ पे जो दिख रहा है, तो उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड, इसमें आप ऊपर जा सकते हैं कि सीक्वेंस का हमारा जो सीक्वेंस नया क्रिएट हुआ है उसका नाम जो है फाइल के नेम के अनुसार हो गया है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है, ये वहाँ पे ही वो क्रिएट हो जाएगा। तो यही था बेसिक चीज़
जो आपको सिखाई थी, ये फर्स्ट स्टेप है सीक्वेंस क्रिएट करना। उसके बाद आपकी टाइमलाइन है, उसके टाइमलाइन में आप वीडियोस डालोगे, आप फोटोज डालोगे और वो सब आगे हम धीरे धीरे देखेंगे, अलग अलग कट्स देखेंगे, वीडियो एडिटिंग टेक्निक देखेंगे, ऑडियो एडिटिंग भी देखेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीक्वेंस का जो है फंडामेंटल जो है पता चल गया होगा, कैसे क्रिएट करना और कहाँ कहाँ से वो क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कर दीजिए इसको लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो ये वीडियो सीरीज़ के थ्रू जो है हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स जो स्टार्ट किए हैं हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के लिए और लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। तो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव है ड्रॉप योर कन्फेशन इन मॉडरेशन। तो यहाँ पर आपको जैसे पता ही है कि आज के फास्ट लाइफ में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और जिसको जिसको जो है हम डील नहीं कर पाते हैं और हम हमारा जो माइंड है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो टेंशन में ही हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इनिशिएटिव के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे आके आप अपने जो भी प्रॉब्लम से लाइफ के वो यहाँ पे आके सब चीज़ें लिख दीजिए। आपको कोई कंप्लेन है, आपको कोई चीज़ें बोदर कर रही है, तो यहाँ पे आके लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ें जैसे कि आपको मेडिकल इश्यू है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ कर चली गई है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बीवी आपको परेशान कर रही है, बॉस परेशान कर रहा है, आपके नेबर्स आपको परेशान कर रहे हैं, या तो आपको आपको जो है कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, कोई भी आपका इश्यू है यहाँ पे आके आप लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, ये एक ऑनलाइन वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आके रिकॉर्ड कर दीजिए जो भी आपको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद जो है आप स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और उसकी एक लिंक जनरेट हो जाएगी। तो ये वाली जो लिंक है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए जिससे कि हम जो है आपके आपका जो कन्फेशन है बोदरेशन है उसको रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन पाना चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस डाल दें जिससे कि हम आपको कुछ सजेशन या तो फीडबैक दे सकें। उसके अलावा यहाँ पे एक और इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है असो तो सही। तो बेसिकली ये हम स्पेशल टी शर्ट जो है वो डिज़ाइन किया है और हमने वो अलग अलग वेबसाइट्स पर रखा है जो भी इसको जो है ऑन डिमांड सेल कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये टी शर्ट जब भी पहनेंगे यहाँ से ख़रीदने के बाद तो वो टी शर्ट जो है मतलब वो दिन जो आपका है टी शर्ट पहनने के बाद आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। जैसे कि आप जा सकते हैं ओल्ड एज होम में, स्लम में जा सकते हैं, आप ऑर्फनेज में जा सकते हैं, आप जो है कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हो, उनको खाना दे सकते हैं, आप उनको कपड़े दे सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, फुटबॉल लेके जाए, क्रिकेट आप उनके साथ खेल सकते हैं, किसी भी तरह उनको हैप्पीनेस दें। तो ये स्पेशल टी शर्ट जो है उसका उससे जो है हम चाहते हैं कि आप हैप्पीनेस के एक एजेंट बने, हैप्पीनेस के फेलो बने। और ये एक्चुअल में अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से डिलीवर करती है। जैसे कि ये आप एक टी शर्ट भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये दोनों जो वेबसाइट है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड डिलीवर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं $24 या $14 में, पर यहाँ पे कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है कि जब 14 ऑर्डर्स डिलीवर होंगे तब ये लोग 14 लोगों को या तो 14 से ज़्यादा लोग जो जितने भी लोगों ने ऑर्डर किया उनको टी शर्ट प्रिंट करके सेंड करते हैं। और ये माई ड्रीम स्टोर जो है उसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं था और काफ़ी टी शर्ट सस्ता भी था और इसमें 5-6 कलर भी ये लोग देते हैं और अलग अलग साइज़ के भी टी शर्ट देते हैं। और ये लोगों ने जो है न्यू कॉमर जो सेलर्स जो है उनको उनसे ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज हो गया है। इस तरीके का जो इश्यू है यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकती है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर टी शर्ट परचेज नहीं कर पा रहे, यहाँ पर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे अपना डिटेल जो है डाल दीजिए, नेम, लोकेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 20-25 लोग इस तरीके का जो ईमेल वो करेंगे तो उनको जो है 20-25 लोगों को एक साथ बाद में एक लिंक जनरेट करके टी शर्ट क्रिएट करके लिंक जनरेट करके आप सेंड कर देंगे जिससे कि आप परचेज कर सकें। तो यहाँ पर ये दूसरा इनिशिएटिव है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमने क्रिएट किया है एक वर्कशॉप जो फ्री वर्कशॉप है जिससे कि आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, उससे मतलब अलग अलग चीज़ें लोगों को सिखा सकते हैं, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या तो कुछ भी चीज़ें जो आप कुकिंग है, डांस है, योगा है, कुछ भी आप सिखा सकते हैं। तो वीडियो कैसे शूट करना, वीडियो कैसे एडिट करना और आप किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं वीडियो बना के, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को जो है अपलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट जो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्या है और ये बेसिस पे कैसे आप पढ़ा के
इनकम जनरेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सिखा के आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा फंड रेजिंग, क्राउड फंडिंग क्या है, आप अपने अगर आप कुछ इस तरीके का सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप कैसे अपने इनिशिएटिव को पीच कर सकते हैं फंड रेजिंग की इवेंट्स के अंदर। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ये वर्कशॉप के अंदर हमने कवर अप की है, तो आप ये वर्कशॉप को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लास्ट चीज़ यही है कि अगर आपको ये सब इनिशिएटिव अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि हम अलग अलग चीज़ें जो है इस तरीके से बनाते रहें और आप थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब भी आपको अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट या तो अमेज़न यूएसए की वेबसाइट से कुछ भी परचेस करना हो तो यहाँ पे आके जस्ट किसी भी लिंक को क्लिक करें और जो भी आपको परचेस करना है करें, तो आपको जो है वो चीज़ें डिस्काउंट प्राइस जो है वहाँ पे वेबसाइट पे वही प्राइस में मिलेगा, पर आपको थोड़ा सा ये लोग वेबसाइट वाले कमीशन दे देंगे जिससे कि हम नई नई चीज़ें जो है वो करने के लिए जो फंड चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।